Dear students, welcome on RCA Online Pathshala. Now we start a new chapter of complex number. Complex number इस chapter में से आपको किसी भी exam में दो से तीन question मिलेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी definition क्या होती है. Definition: A complex number written in the form of x plus iota y, where x and y belongs to capital R. इसका मतलब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है. ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब x और y दोनों रियल नंबर होने चाहिए. एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आयोटा एक नया टर्म आया है, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करने वाले हैं. तो ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, और ए कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड. देयरफॉर आप कह सकते हो कि z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल R. तो आपके पास ये लिखा हुआ है, तो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू R, और कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई z. तो देखिए, x प्लस आयोटा वाई है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको x और y से रिप्रेजेंट करेंगे. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस आयोटा बी, और जहां पर a और b क्या होगा, रियल नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है और जो लास्ट पोजीशन पे है, ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए. अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो x प्लस आयोटा वाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो x प्लस आयोटा वाई है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो z मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z बोल देते हैं अमूमन. भाई कोई संख्या है, कोई नंबर है, तो उसको हम किसी से तो रिप्रेजेंट करेंगे ना. तो x प्लस आयोटा वाई है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, z से. तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, और ये डेफिनेशन इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर पर कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, और कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम बात करेंगे आयोटा पर, कि ये आयोटा एक्चुअल में होता क्या है. देखो, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा वाई, x और y क्या है, रियल नंबर है. अब केवल और केवल क्या बच गया, एक आयोटा गड़बड़ कर रहा है. अब इस आयोटा को समझेंगे कि एक्चुअल में ये आयोटा होता क्या है. तो देखिए ध्यान से, ध्यान दे रहा है बिल्कुल, मैं बात केवल किस पे करूंगा, सिर्फ और केवल सिर्फ आयोटा पर ही बात करने वाला हूं. तो देखिए, आयोटा के बारे में गौर करिए. देखो, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया. उसके बाद देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन, सेपरेशन कर लिया, और यहां से क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस वन, और यहां क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. तो देखिए, क्या कहने का मतलब है कि वेयर आयोटा इक्वल टू रूट का माइनस वन. देखो समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम कर ली हमने. अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वन था, वो क्या हो गया उधर जाने के बाद, माइनस वन, और जब x इक्वल टू करोगे तो प्लस माइनस रूट में क्या होगा, माइनस वन. और इतना आपको बता दूं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो हमेशा इमेजिनरी आता है.
समझे होगे मेरी बात को कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप रूट लेते हो, रूट मतलब स्क्वायर रूट, तो वो हमेशा इमेजिनरी आता है। तो ये जो इमेजिनरी है इसको ही क्या बोल देते हैं, आयोटा। तो वैल्यू ऑफ आयोटा क्या होगी, रूट में माइनस वन। देखिए जो ये आपके पास समझना है, यहां पर ये जो आयोटा है ना, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से ये लिया गया है आयोटा को। आयोटा एक ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है जिसका वैल्यू क्या होता है, रूट में माइनस वन। ये जो ग्रीक लैंग्वेज है इसको एग्जाम में पूछा गया है कि आयोटा कहां से लिया गया है, तो क्या बोलोगे, आयोटा इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज और वैल्यू क्या है इसकी, रूट में माइनस वन। उसके बाद देखो, ध्यान देना, मैं आयोटा पे ही थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो देखिए आज की क्लास में अगर आप आयोटा समझ गए तो उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में पढ़ेंगे। देखो अभी आपको बताया मैंने कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट का माइनस वन। अब देखो आयोटा स्क्वायर करो तो रूट माइनस वन का स्क्वायर करो तो ये क्या आएगा, माइनस वन, है ना। आप देख लो, नहीं तो माइनस वन की पावर वन बाई टू और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, माइनस वन। ऐसे ही आयोटा क्यूब करो, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर डॉट में आयोटा की पावर वन। देखो ये गुणा है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा की पावर वन। देखो बेस इक्वल है तो पावर्स एड हो जाती है, तो आयोटा की पावर टू प्लस वन, आयोटा की पावर थ्री होगी कि नहीं होगी, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन इंटू में आयोटा और ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर फोर हो तो क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आयोटा स्क्वायर की कर ली, आयोटा क्यूब की कर ली और आयोटा फोर की कर ली। तो अब आपको ये हमेशा रन रखना है और ये नोट लगा के आपको लिख लेना है और इस पर बेस्ड हम अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आयोटा क्या होगी, अंडर रूट का माइनस वन, आयोटा स्क्वायर क्या होगी, माइनस वन, आयोटा क्यूब क्या होगी, माइनस आयोटा और आयोटा फोर क्या होगा, वन। ये चीज आपको याद रखनी है और ये आया कैसे वो आप इधर देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। और उसके बाद मैंने बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जेड और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आया, वहां पर एक्स और वाई बिलोंग्स टू क्या था, कैपिटल आर, मतलब रियल नंबर होने चाहिए एक्स और वाई। और आयोटा क्या है उसके बारे में मैंने बताया कि आयोटा इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा इक्वल टू रूट का माइनस वन। ऐसे ही आयोटा स्क्वायर निकाला वो माइनस वन आया, आयोटा क्यूब निकाला माइनस आयोटा आया, आयोटा फोर क्या है, वन। कैसे आया ये आपने देखा और ये आपको क्या रखना है, इन वैल्यूज को लर्न रखना है। आज के लिए इतना ही।